नमस्कार दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है दोस्तों, इसीलिए गलती से भी इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और ध्यान पूर्वक अंत तक देखिएगा। जीवन में प्रेम संबंधी या शादी संबंधी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। प्यार एक ऐसी भावना है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आपके पास व्यक्ति को बेशक कंट्रोल करा जा सकता है जिससे आप प्यार करते हैं। यही नहीं, आप उसे अपने प्यार में इतना पागल कर सकते हैं कि वो खुद आपके पास आकर आपको आई लव यू कहेगा और आपकी हर वो इच्छा पूरी करेगा जो आप उससे करवाना चाहते हैं। और ऐसा मुमकिन है आज के इस साधारण से टोटके से। ये एक वशीकरण टोटका है और ये हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीन तंत्र विद्या के ही अनुसार है। तो दोस्तों, बिल्कुल देरी मत कीजिए, किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने वश में करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि लहसुन और काले धागे से कैसे हम किसी भी स्त्री या पुरुष को हमेशा हमेशा के लिए अपने वश में कर सकते हैं और कैसे उससे अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो आपकी कोई भी बात नहीं मानता तो आप इस शक्तिशाली टोटके का सहारा ले सकते हैं और ऐसा करके आप उस व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं तहे दिल से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कृपा करके इस पावरफुल टोटके का इस्तेमाल किसी भी गलत प्रकार का कार्य को अंजाम देने के लिए बिल्कुल ना करें, क्योंकि भक्तों, इस टोटके का कोई काट नहीं है। अगर ये आपने किसी पर कर दिया तो वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए आपका ही होकर रह जाएगा। कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी वो किसी और के बारे में नहीं सोच पाएगा। तो यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और आजीवन उसे केवल अपना बनाकर रखना चाहते हैं, तभी इस महाशक्तिशाली वशीकरण का सहारा लीजिएगा। तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं लहसुन और काले धागे से वशीकरण की विधि। ध्यान रहे, इस विधि को रात्रि 11 बजे से 12 बजे के बीच करना होगा। सबसे पहले आपको लहसुन की 5 कलियां लेनी होंगी। लहसुन आपको अपने रसोई घर में आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद आपको चाहिए सुई, ये भी आपको बड़ी आसानी से आपके घर पर मिल जाएगी। इसके बाद आपको लेना होगा काले रंग का धागा, ये भी आपको बड़ी आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगा। अब सबसे पहले आपको सुई में काला धागा पिरो लेना है और फिर लहसुन के बीचों बीच सुई डालकर एक एक करके 5 कलियों को आपस में पिरो कर एक माला तैयार करनी है। विधि के दौरान आपका मन एकाग्र होना चाहिए। आपके मन में सिर्फ उसी व्यक्ति का ख्याल होना चाहिए जिस पर आप वशीकरण करना चाहते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब जब आप सुई लहसुन की कली में डालेंगे तब आपको एक मंत्र बोलना है, ओम क्लीम ओम क्लीम 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 वशीभूत। एकाग्र होकर बोला गया ये मंत्र उस व्यक्ति के मन में आपके लिए आकर्षण पैदा कर देगा। अब माला तैयार होने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है। यदि आप स्त्री हैं और किसी पुरुष पर वशीकरण कर रही हैं, तो आपको अपने तकिए की दाहिनी ओर यानी कि राइट साइड इस माला को रख देना है। और यदि आप पुरुष हैं और किसी स्त्री पर ये वशीकरण कर रहे हैं तो ये माला आपको अपनी लेफ्ट साइड यानी कि बाई ओर रखनी है। अब आपको सुबह उठकर स्नान करना है और स्नान करने के बाद इस माला को किसी पीपल के पेड़ पर एक कील के सहारे बांध देना है। इस दौरान आपको अपने मन में उसी पुरुष या स्त्री का नाम दोहराना है जिस पर आप ये वशीकरण कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ध्यान रहे, इस चोटके को करते समय आपको कोई ना देखे। यदि ऐसा होता है तो ये वशीकरण खंडित हो जाएगा। तो भक्तों, आपको एकांत का पूरा ख्याल रखना है। लेकिन दर्शकों, अगर आपको लगता है कि आप अकेले ये विधि नहीं कर सकते, आपको डर है कि कोई घर वाला या बाहर वाला आपको ये विधि करते देख ना ले, तो घबराइए मत। ऐसे में आप हमें फोन करके कोई दूसरी विधि या कोई दूसरा प्रभावशाली सिद्ध मंत्र पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर नीचे स्क्रीन पर दिए गया है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम मनचाहा प्यार दिलवाने में आपकी जरूर मदद करेंगे।
तो दोस्तों, आज का ये लहसुन और सुई धागे का वशीकरण टोटका एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली टोटका है, जिसे लाखों लोगों द्वारा परखा और आजमाया गया है। इस टोटके को करने के 2 दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति जिस पर आप ये टोटका कर रहे हैं, वो पूरी तरह से आपके वश में हो सकता है। यदि आपके मन में विधि को लेकर कोई भी सवाल है, तो आप हमें कभी भी फोन करके हमारे गुरुजी से डिटेल में पूरी विधि पूछ सकते हैं। धन्यवाद।